दक्षिण भारत में 5 जनवरी से सीमेंट महंगा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम में 30 रुपए प्रति बैग का इजाफा किया है। सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतें 5 जनवरी से लागू हो गई हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 5 जनवरी से सीमेंट महंगा हो गया है। दाम बढ़ने की खबर से सीमेंट के कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई है। कीमत में बढ़ोतरी की वजह इनपुट कमोडिटी की लागत दबाव जैसे कोयला और डीजल के साथ बढ़ती डिमांड को बताया गया है। सीमेंट कंपनियां इंडिया सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, एनसीएल इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट ने सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी की है। छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों तक ने दाम में बढ़ोतरी की है। कीमतों में इजाफा से कारोबार के दौरान सीमेंट कंपनियों के शेयरों में 4% तक तेजी आई है। आपको बता दें कि रियल एस्टेट बिल्डरों के निकाय कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि क्रेडाई ने हाल ही में सीमेंट और स्टील सहित कच्चे माल की कीमत में निरंतर बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की थी। क्रेडाई ने कहा था कि निर्माण की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए घर की कीमतों में 10-15% तक इजाफा हो सकता है। इसने मांग की थी कि सरकार को कच्चे माल की कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए और इस उद्देश्य के लिए GST में कमी का सुझाव दिया था। सीमेंट की डिमांड में इस वित्त वर्ष के पहले भाग में 20% से ज्यादा की मजबूत ग्रोथ देखी गई है, लेकिन दूसरे भाग में इसके घटकर 3-5% तक आने की संभावना भी है। इसके पीछे मुख्य वजह ज्यादा बेस इफेक्ट है जो इस वित्त वर्ष में 11-13% की ग्रोथ दिखाता है। हाल ही में क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सीमेंट कंपनियों का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एबिटा इस वित्त वर्ष में 100-150 रुपये प्रति टन गिर सकता है, जिसकी वजह बढ़ती इनपुट की लागत है। सीमेंट सेल की वॉल्यूम में इस वित्त वर्ष में 11-13% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है जो कम बेस पर है। इसे बड़े तौर पर कीमतों के दबाव के असर से निपटा जा सकेगा और क्रेडिट प्रोफाइल को स्टेबल रखा जा सकेगा। एजेंसी ने इसमें 17 सीमेंट कंपनियों का विश्लेषण किया है जिनकी भारत में 75% की बाजार की हिस्सेदारी है। सीमेंट वॉल्यूम में ग्रोथ अलग अलग सेगमेंट में बेहतर डिमांड की वजह से होगी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और इंडस्ट्रीज शामिल हैं। हालांकि ओमिक्रॉन का असर सीमेंट सेक्टर पर पड़ सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।